प्याज 80 रुपए किलो हो गए, दाल 180 रुपए का, क्या खाना खाएंगे हम? चावल इतना थर्ड ग्रेड का दे रहा सोसाइटी में, क्या खाएंगे हम? पुराने दिन ही वापस चाहिए, अच्छे दिन नहीं चाहिए। तो उनके अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमारे पुराने दिन वापस दे दो। मोदी जी उधर बैठे, मोदी जी इधर, किसी की थाली में कौन क्या खा रहा वो देख रहा क्या? इतने दिन से मामा जी को लाडली बहना याद नहीं आई, आज जब चुनाव आया तो लाडली बहना याद आ गई उनको। भैया प्याज का दाम क्या है? 80 रुपए किलो, आप बताइए, 80 रुपए किलो प्याज आ रही है। चुनावी सफर हमारा जारी है, लेकिन मध्य प्रदेश चुनाव पर बात करने से पहले आप हमारे पीछे देखिए, ये सब्जी की दुकान है। क्योंकि जब चुनाव होता है तो मुद्दा महंगाई का उठता है, और ये मुद्दा इसलिए भी उठता है क्योंकि गैस सिलेंडर की भी बातें होती हैं। कहते हैं कि सब्जी के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, तो इस समय मध्य प्रदेश चुनाव में क्या मुद्दे होंगे और हम महिलाओं से जानेंगे। किचन संभालती हैं ज्यादातर, अगर आप बात देखेंगे तो, क्योंकि किचन का बजट उनका क्या चल रहा होगा, मध्य प्रदेश चुनाव में महंगाई कितना अहम मुद्दा होगा वो महिलाएं बताएंगी। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नंदा ठाकरे। क्या लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश चुनाव में महंगाई मुद्दा होगा? महंगाई मुद्दा जरूरी है, वहाँ पे महंगाई इतनी जबरदस्त छू ली है कि महिलाओं को काफी परेशानी का मौका सामना करना पड़ रहा है। तो इस बार हम सोच रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ जाए, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। तो कह रहे थोड़ा बहुत महंगाई तो कबूल करिए ना। महंगाई कर लेंगे भैया, हंडी चला रहे हैं, समझ में आ रही गैस का क्या भाव हो गया? ये 1000 रुपए लाडली बहनों को देकर चूचिया बना रहे, 1100-1150 रुपए हम गैस दे रहे हैं, हंडी बनाने में समझ में आ रही है? प्याज 80 रुपए किलो हो गए, दाल 180 रुपए का, क्या खाना खाएंगे हम? चावल इतना थर्ड ग्रेड का दे रहा है सोसाइटी में, क्या खाएंगे हम? ये खा रहे क्या जो 1 रुपए किलो वाला चावल? अगर शिवराज सिंह और मोदी खा रहे हो तो वो हमें बताओ। माता जी कह रहे हैं देश विकास कर रहा है, थोड़ा बहुत महंगा विकास हो रहा, बहुत बहुत दिख गया सेवा, बेरोजगारी का कुछ नहीं है। अंबानी का विकास पब्लिक का नहीं हो रहा है, अदानी अंबानी का हो रहा है। ठीक है, बात करिए। बड़े लोगों को जो विकास हो रहा है, गरीब जनता त्राही त्राही कर रही है। आज महंगाई चरम सीमा में है, आप घर में किसी के भी गरीब परिवार के जाके देखो, आप 1000 रुपए दे के क्या साबित करना चाहते? आपने किस आधार पे लाडली बहना को एक मामा जी लाडली बहनों को मानते हैं इसलिए 1000 रुपया दे रहे हैं? इस चीज में इतने दिन से मामा जी को लाडली बहना याद नहीं आई, आज जब चुनाव आया तो लाडली बहना याद आ गई उनको। और जब वोटिंग वोट लेना है महिलाओं को, गुमराह करने के लिए कोई नहीं मिलता, लाडली बहना बना के गुमराह करना और वोट हासिल करना, ये शिवराज चौहान की अपनी पहली प्राथमिकता बनी हुई है। आप क्या कह रहे हैं? चुनाव से पहले कहा थे शिवराज जी, चुनाव आया चुनाव से पहले आप लोगों की सेवा कर रहे थे, लॉकडाउन में कहा थे, लॉकडाउन में कहा थे, अब जाग गए शिवराज जी और इतने दिन से सो रहे थे, चुनाव आया तो बहन याद आ गई। इससे पहले कोई बहन नहीं था, कोई भांजा नहीं, कोई याद नहीं आई। लॉकडाउन में जो भी हेल्थ सुविधाएं हैं, जो भी स्वास्थ्य व्यवस्था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, मरने को देख रहे थे, कोई सुविधा नहीं। 5 किलो मुफ्त राशन मिल रहा था, वो चावल वो खा रहा है कि शिवराज खाएगा ये वाला चावल? क्या 5 किलो चावल गेहूं दे रहा है, 1 किलो गेहूं, 4 किलो चावल, 1 किलो गेहूं में एक महिला का पेट भरता गया 1 महीने में। आप भी जान से आप खाते शिवराज खा लेता 5 किलो में है। तो इस बार महंगाई मुद्दा होगा, बिल्कुल होगा महंगाई मुद्दा, बिल्कुल गैस सिलेंडर के दाम तो कम गए ना, कहाँ कम हो गए, हमसे लेके हम ही को दे रहा है क्या, हम ही से वसूलेगा क्या पूरा? 30 रुपए में 1130 रुपए, 200 कमे है ना, अभी तो हमको उतना ही मिल रहा है ना, 200 कमे होंगे ना, क्या कम हो रहा है? कुछ नहीं कम नहीं हो रहा है, ये पब्लिक को चूतिया बनाने की राजनीति हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। आज तक एक सब्सिडी नहीं डाली है, कौन सी सब्सिडी बता रहा है? 6 रुपए। अरे अच्छे दिन आए आप लोगों के, पुराने दिन वापस दे दो, पुराने दिन वापस दे दो जो हमारे थे पहले, हमको अच्छे दिन नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं? पुराने दिन ही वापस चाहिए, अच्छे दिन नहीं चाहिए, उनके उनके अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमारे पुराने दिन वापस दे दो, पुराने दिन बहुत अच्छे हमारे। पुराने दिन क्यों मांग रहे आप? जमाना तरक्की कर रहा है, पुराने नहीं नहीं वो हमको चाहिए ही नहीं ना। थे सुकून से थे, महिलाओं का सम्मान था, महिलाओं के साथ में क्राइम नहीं होता था जितना आज चरम सीमा पे क्राइम हो रहा है। आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। अरे अरे महिला विकास मंत्री है स्मृति ईरानी, वो आप लोगों के लिए विकास। अरे 350 में सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी सिर पे सिलेंडर लेके घूम रही, आज कहाँ है स्मृति ईरानी? क्यों नहीं आ रही महिलाओं की खबर लेने? क्या आप मुख्यमंत्री नहीं बन रही? महिलाओं के लिए काम कर रही है, बहुत काम कर रही है।
मोदी जी के लिए काम कर रही है बगल में बैठ के, किसी के लिए मोदी जी 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, 18 घंटे कुछ नहीं कर रहे, कहाँ कर रहे काम, क्या कर रहे हैं 17 सालों में, और मोदी आके एक एक चीज बेच रहा है, रेलवे बेच दिया, बिजली विभाग बेच दिया, बैंक भी बेच देगा, क्या बचा क्या है? आप क्यों शांत है, आपको क्या लगता है, कमल या कमलनाथ? कमलनाथ चाहिए भाई हमको, कमल कहे नहीं चाहिए, ऐसे हुक्का वाले विधायक को हमको नहीं बनाना है, हुक्का पीने वाले उन्हीं ने आदिवासियों को भड़काया, आदिवासी का ग्रुप अपने उसमें ले ली, हम आदिवासी की महिला को आने की बच्ची है, वो तो हमारी भी बच्ची है, वो सबकी बच्ची है, पर उसने इतना विरोध की कि जो समाज के लोगों को भी हटा दी। अरे मोदी जी आप लोगों के लिए मोदी जी उधर बैठे, मोदी जी इधर किसी की थाली में कौन क्या खा रहा वो देख रहा क्या? एक रुपया किलो का गेहूं दे रहा, वो भी उतने कितने कितने ढिगला निकलते, इतना खराब चावल आ रहा उसमें, गरीबों के लिए काम क्या, गरीब क्या ऐसा मट्टी खा लेंगे क्या भाई? जो पैदा कर रहा है वो अच्छा, वो उधर पहुंचा रहा, सप्लाई कर रहा, और इधर कच्चे मकान थे उनके पक्के मकान बनवा रहे हैं, पक्के मकान वो उससे भी आज की नहीं है, राजीव गांधी इंदिरा गांधी योजना की बहुत पुरानी है, इंदिरा आवास बहुत पुरानी है, ये अपने आपको अपने ऊपर साबित कर रहे हैं, राजीव गांधी के जमाने की है। जो आप बोल रहे हैं जो पक्का मकान दिया, पहले हमारी कांग्रेस पार्टी ने पट्टा दी हमको, तब इन्हें पट्टाधारी को ही दिए हैं। चलिए और भी महिलाएं पीछे हैं, क्या क्या लगता है मोदी जी, मोदी जी का लहर यहाँ काम करेगा अम्मा? कमलनाथ जी का मोदी जी का नहीं, नहीं। अरे मोदी जी काम कर रहे हैं आप तो कर तो रहे हैं वहाँ तक ठीक है, लेकिन मगर अभी इधर पैसा दे दे के इधर उधर कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं? सबको ऐसा देखना चाहिए कि सब 5 किलो राशन मिल रहा है ना अम्मा? मैं लेते ही नहीं हूँ। अरे एक महीना पूर जाता है क्या भैया 5 किलो राशन, जिसके 5 परिवार है तो क्या वो 5 परिवार एक ही दिन में खा लेता है? जिसका 5 किलो का एक महीना चल जाएगा क्या? 10 परिवार क्या पहुँचेगा वो? नहीं पहुँचेगा, देखो कई घर 5 परिवार। कितनी महंगी लहसुन, कितनी महंगी दाल, कितनी महंगी, तो देखो ना सब्जी सब्जी का रेट क्या है, क्या है रेट भैया, प्याज का दाम क्या है? 80 रुपए। आप बताइए कि 8 रुपए 10 रुपए किलो भी बिक रहे, 2 किलो तक बिकी है जो मोदी की सरकार, मोदी जी की सरकार में देखो 80 रुपए किलो प्याज आ रही है, अब इतना महंगा आप किसानों से इतना वो कर रहे हैं। गुमराह करने की राजनीति कुछ नहीं है। क्या गुमराह करने की राजनीति? पब्लिक को बेवकूफ बना के राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अरे लोग काम गिनाते हैं, राम मंदिर धारा 370 राम राम जपे और पेट खाली बैठे रहे, धर्म ऊपर है, खाने को मिलेगा तो धर्म कर्म सब याद आएगा। कमलनाथ जी जो न्याय करते वो कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, वो छोटे से लेके बड़े तक सबको एक नजरों से देखते। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।